बेटा ओए होए भाई, ये तो माइकल का भाई बन गया। भाई मैं डेविल में क्राई देख रहा हूं ना, डेविल। भाई क्या था Like ये? that. तो भैया हमने मिशन कौन सा कर दिया शुरू? जो भी मिशन है, एक मिनट पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। Looks like no one's worse for wear. ओ मिस्टर डांटे आइए। I'm just gonna double check. क्या डबल चेक करेगी अब ये? Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's in the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got. Oh, इसकी माँ ने बनाई थी इसकी गन वन सब। Yeah, there she is. you don't much look like her. yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. Oh boy, भैया आजा हीरो हीरो। Research. I managed to cobble this. Consider it a gift in honor of us finally meeting. meeting. बेटा ओए होए भाई, ये तो माइकल का भाई बन गया। भाई मैं डेविल में क्राई देख रहा हूं ना। डेविल। भाई क्या था ये? डांटे। क्या था क्या ये? हीरो ओ अच्छा अच्छा आ गया हीरो। इसकी भी सुन लो भाई। यू कॉल मी डेड वेट अगेन? नो थैंक्स। आई हैव गॉट ऑल द पावर आई नीड राइट हियर। यू डोंट अंडरस्टैंड। इट्स नॉट व्हाट आई मीन। Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way. वी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। Let's just say that's the best for the cause. ऐसा लग रहा है वी की बॉडी खत्म हो रही धीरे धीरे। कुछ क्रैक्स ही आ गई है इसके फेस पे। कुछ करना पड़ेगा, अभी खत्म हो रहा है यार। ले चल भाई इसको उठा के। हाँ तो यानी कि नीरो अभी भी नहीं है क्या? अच्छा जी, टोपी मिल गया हमें। डॉक्टर फास्ट अ हैट दैट कंज्यूम्स रेड। अच्छा जी, टू लॉन्च स्पेशल अटैक्स। अच्छा जी, earn tons of arrows from foes if you don't run out of your own forest. अच्छा जी, रेड आर्म्स इकट्ठा करती है टोपी भाई और उनको टैक्स में कन्वर्ट करती है। और स्पेशल आटा। अच्छा जी, बड़ी खतरनाक है तो मेरे साले रेड आर्म खत्म कर दे ही सारे।
चलो देखते हैं करती के आगे देखेंगे। डॉक्टर फास्ट कंज्यूम्स रेड हाउस टू अटैक फोर्स। अच्छा जी, मोस्ट अटैक रिक्वायर सफिशेंट अमाउंट ऑफ रेड हाउस टू यूज द ऑप कंज्यूम्ड आर डिस्प्लेड। अच्छा, ऑन द अपर राइट साइड, ठीक है। कीप एन आई ऑन योर बैलेंस एंड डोंट स्पेंड देम ऑल। अच्छा जी, यूजिंग द डॉक्टर फॉल्स स्किल सेट हैट। हाँ, मुझे तेरा डांस याद करके हंसी आ रही है बीबी, मतलब कर क्या रहा था ये डांट है यार। लेट अन अटन मोर रेड ऑप्स स्ट्राइक फोर्स विद द हैट। अच्छा जी, देन गो ऑन द ऑफेंसिव। अच्छा जी, टोपी फेंको फिर हमला कर दो, आपको बहुत सारे रेड ऑर्ब मिलेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो भाई, इसको भी ट्राई करेंगे, पर ऐसे साले मेरे ऑर्ब ना ख़त्म कर दे कहीं, मेरा टोपी फेंके मारना शुरू कर दिया तो। चलो अगर देखते हैं, इसको भी देखें करती क्या है। ओके, मिशन 13 शुरू हो गया था। तो मैं बता रहा था लास्ट मिशन 12 में क्या हुआ था। लास्ट मिशन 12 में हमें पता लग गया था। ओके, वी कैन चूज़ आवर हीरो, सिलेक्ट योर कैरेक्टर। मैं डांटे चूज़ करूँगा, डांटे थोड़ा सही लगता है ना, डांटे चूज़ कर लेते हैं। तो ये हुआ था लास्ट वीडियो में, हमें पता लग गया था जो नीरो फाइट कर रहा था, नीरो को फाइट करते समय जो डीमन बचाना है था वो डांटे ही था। लेकिन लेकिन उसने एक बहुत बड़ा चेंज पा लिया था। चेंज पा लिया था, मैं कहने का मतलब ये है कि जो डेविल्स, जो डेविल सोर्ड थी, स्पार्टस की सोर्ड थी, जो उसको डांटे ने एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक वैसे ही जैसे वी ने यामाटो के थ्रू अपने दो पार्ट बना लिए थे। अब आप सोचें दो पार्ट क्या बना लेते भाई। देखो, जो डीमन था, जो डीमन यूरिजेन है, वो जो पेड़ पौधे वाला राक्षस सिंहासन में बैठा रहता, जो हार गया लास्ट टाइम, वो असल में वर्जिल ही है। वर्जिल ने यामाटो से अपने दो पार्ट कर लिए। एक पार्ट जो उसका ह्यूमन था वो अलग हो गया, वो बन गया वी, और जो दूसरा पार्ट था डीमन डेविल का पार्ट, वो बन गया यूरिजेन। यानी जो यूरिजेन है वो भी वर्जिल ही है, और जो वी है वो तो वर्जिल है ही है, पर फिर जो वी है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, उसकी बॉडी ख़त्म हो रही है। वो सोच रहा है कि मेरी बॉडी ख़त्म होने से पहले सब कुछ निपट जाए तो मैं वापस से शायद अपना कुछ हिसाब किताब देख रहा हूँ, वापस से शायद दोबारा मिल जाए जो भी वो है। और भी काफ़ी दुखी भी है क्योंकि उसने डांटे को हराने के लिए सब किया और वो भुगत रहा उसकी सज़ा, साथ में पूरी धरती भी भुगत रही उसकी सज़ा, यानी लोग भी मर रहे हैं और इधर उधर पूरी ताकतें फैल रही हैं। तो लास्ट टाइम हमने उसको हरा दिया था, नीरो को सेव कर लिया था डांटे ने अपने डेविल पावर से, और यूरिजिन को हरा दिया था। लेकिन यूरिजिन हारने के बाद भी बोलता है कि जो पेड़ है, जो ये पेड़ दिख रहा है, क्लाइफॉर्द जो दिख रहा है, एक भयानक सा पेड़, वो काफ़ी विकसित हो चुका है ऑलरेडी, उसका जो एक्सपेंशन हो चुका है। अब देखना ये है कि क्लाइफॉर्द जो है उसका एक्सपेंशन कितना भयानक है, क्या हिसाब है। तो एक बार कस्टमाइजेशन पर चलते हैं और नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करते हैं, मिशन 13। मिशन 13 में डांटे को चूज़ किया है मैंने, नीरो या वी नहीं लिया, वी से खेलने मुझे बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैंने वी नहीं लिया। डांटे से मैं पहले खेल चुका हूँ डेविल मेकर 3 में, तो मुझे सही लग रहा है डांटे। बालरॉग, मेरे पास 18,000 ऑर्ब हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट जो परचेज करना है वो हम कर लेते हैं। ये नहीं चाहिए, कोयोटे नो थैंक्स, कैरियन ये तो फुल हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। डॉक्टर फॉस्ट क्या है भाई, मैन द, अच्छा रेड ऑप्स को यूज़ कर सकते हैं मारने के लिए, बट मेरे रेड ऑप्स ख़त्म हो जाएंगे अगर मैं इसे यूज़ किया तो। हैट अटैक, टोपी फेंको, आफ्टर एक्सिक्यूटिंग अ सेट ऑफ हैट और मैड हेल्ट प्रेस दिस राइट व्हेन यू कैच द हैट। ये ले नहीं सकता मैं क्योंकि मेरे पास इतने ऑर्ब नहीं है। डॉक्टर फास्ट 2, भाई सब रेड ऑर्ब तो खतरनाक है भाई, बट रेड ऑप यूज़ कर लेगा मेरे में, दिक्कत तो ये है। अगर मेरा सब कुछ अपडेट हो गया होता तब मैं कर सकता था, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं। ओ लाला, मैंने देखा नहीं पीछे इसने बड़ी भयानक जगह पे टैटू बना रखे हैं पिस्टल के, काफ़ी दिमाग के साथ बनाए हैं। चलिए कोई नहीं, टैटू को ही रहने देते हैं, हम आगे चलते हैं। फ़िलहाल मैं कोई स्केल अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है,
एयर ब्लॉक चलो ले ही लेते हैं यार, इसको भी थोड़ा अपग्रेड कर ही लेते हैं, खुश हो जाएगा ये रॉयल गार्ड। ठीक है मैं कस्टमाइजेशन क्विट कर रहा हूँ। तो अब देखना आगे क्या होता है कि जो यूरिजन था वो डीमन था, डीमन किंग जो था वो किस बारे में बात कर रहा था कि क्लाइफ विकसित हो चुका है बहुत अच्छी तरह, मतलब उसने ऐसा कुछ कहा जो मेरी समझ में आया। तो मिशन स्टार्ट करते हैं, मिशन 13। अब देखना ये है कि किस हद तक विकसित वो हो चुका है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पता नहीं क्या होता, देखते हैं देखते हैं भाई। वी जो है अवश्य अपना कर पाता है कि नहीं ठीक अपने आप को, मतलब वी असल में वर्जिल ही है, पता लगेगा कि अब तो कनेक्ट नेटवर्क कर ले भाई, दिखा क्यों रहा है, करते रहे नेटवर्क से कनेक्ट। चलो हमें एक नई तलवार मिल चुकी है, ओ भाई ओहो काफी मस्त है ये। नहीं 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 भाई बंद हो जा बंद हो जा यार, ये एल्बम दबाने गया था छूटेगी नहीं, तो मुझे नीचे जाना है। ओके भाई नीचे चलते हैं, और क्या करें जब रास्ता है नहीं, तो लेट्स गो। ये कुछ ठीक लक्षण नहीं लग रहा, ये कोई नया दैत्य लग रहा है मुझे, न्यू भाई भैया क्या हो गया इसकी बॉडी को, ये है क्या भला। ओ भैया इलेक्ट्रिक मैन है, अब नहीं जाएगी बिजली दिल्ली में, इसकी ज़रूरत पूरी कर देगा ये। आ जा बेटा आ जा, ये कर क्या रहा है, इनमें बैगनी बैगनी चार्ज सा किया मेरे ऊपर यार। भाई इधर नहीं उधर, अबे हुआ क्या, एक बटन दबाते ही मर गया, अब देखने तो देते क्या किया। अरे यार कैमरा एंगल थोड़ा विचित्र है बट ओके लेट्स गो, देखते हैं आगे ये क्या है, लाइट ऐसी जल रही है। तो भाई अबे कहाँ गिर गया, ये साले दैत्य पैदा किए जा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत से मार रहा हूँ। पिछवाड़े पे दो इसके लाते, मैं छूते ही लग गई इसके, पिछवाड़े में क्या घुस गया इसके। कर क्या रहा है बाइक लेके हवा में,
भैया जीना हराम कर दिया उसने तो मेरा। अब तुझे बताता इनको पीछे से जाके मारना पड़ता है। कहाँ है वो पेड़? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अंडरग्राउंड रास्ता खुलने वाला है। तो अब ये देखना वो पेड़ भैया क्लाइफॉर्ड को हो क्या गया। लेट्स गो। अरे भैया क्या होगा? पहले तो इसी को खत्म करे साले को। कर क्या रहा मैं तो खुद समझ नहीं आ रहा। चलो रेड ऑर्ब ले लो और फटाफट आगे चलते हैं हम। ये क्या ग्रीन ऑर्ब भी ले लो, बहुत पिटाई होगी भाई। हाल पट्टी चर से कर दिए मेरे। वहाँ ग्रीन ऑर्ब तो नहीं लेना। ये क्या है? अब ये तो वही चीज़ है भाई। मैं सोचा कोई खाने पीने की चीज़ तो मेरे हाथ ख़राब कर देता थोड़ी देर में। मैं जाऊँ किधर? अब मैं इधर तो जा नहीं सकता। मैं ये खड्डा, ओ अच्छा और नीचे जाना है। सही कहा, सफाई करनी पड़ेगी। ओहो कस्टमाइजेशन, मतलब कि कोई भयानक चीज़ आने वाली है। तो वो सिस्टम हमें मौका दे रहा है कि एक बार अपना थोड़ा अपग्रेड कर लो बेटा। क्या पता कि जूते चप्पल पड़ जाए तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही। ड्राइव डेविल सोड। ड्राइव में क्या हो भाई सब? ये क्या है? प्रेस एंड बैक फॉरवर्ड। अच्छा जी, बैक टू फॉरवर्ड। ये बड़ी अच्छी लग रही है भाई, सस्ती हुई 10,000 की। अबे भैया 10,000 की थी क्या? 1,000 दिख रहा था। चलो खैर अब क्या करें, लिए तो लिए, भागो यहाँ से बाहर। निकलो बाहर यहाँ से, जूते चप्पल पड़ जाए इससे पहले हमारे मरवा दिया भाई। गेम तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या है ये? अच्छा ओके, क्या है नहीं, क्या था ये? तो कुछ है तो नहीं। रेड और कहीं हवा में झूल रहा। तो एक काम करते भैया, आगे चलते और क्या करें। चलो जी। ओ भैया, ओ भैया कहाँ है ये? क्या भाई, इसको पहले ख़त्म करो। मोटरसाइकिल ले दो इनके। तो भैया कितने निकल गया ये मोटरसाइकिल उधर। मोटर
मोटरसाइकिल पर साथ दे सालों के वाह भैया अच्छा झंडे से हो गया रे तो इसको खत्म करो इसी की वजह से इस अलग राक्षस पैदा हो रहे हैं बार बार खत्म नहीं हो रही है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ओ भाई ये तो भाई को रह गए कहाँ हूँ मैं चले तुम तीन को मैं उठाता हूँ भैया वहाँ पे भी एक पौधा पड़ा है क्या चले कितने हैं भाई ये तो पैदा होते ही रहेंगे मेरी एस्थेसी करवा देंगे पहले तो सालों इनको पीटो मैं डेविल ट्रिगर यूज क्यों नहीं कर रहा मैं तो ये सोच रहा साले तू भी मर तुम लोगों तो बिना डेविल ट्रिगर के खत्म करूंगा मैं ओ भाई ओ भाई ओ भाई वहीं पे आ रहा मैं रुक जा बहुत उछल रहा है तू ना खत्म हो गया ये छोटी सी मशरूम कैप दिमाग खराब कर रहा है मेरा ओ भाई सामने तेरी चक्री तो बंद मैं करता हूँ रुक अब कौन बचा है भाई सब बहुत ही मारपीट हो गई समझ नहीं आया चल क्या रहा है सारे पेड़ सुखा दूंगा आज तो मैं गली के और कौन सा पेड़ था चलो भाई उसको भी सुखाएंगे चल के डबल ट्रिगर यूज नहीं किया मैंने ये क्या हो गया चमकीला सा अबे भैया वहाँ पे बैठा है क्या अच्छा वहाँ बैठ के बिजलियाँ छोड़ रहा है तू बिजली संकट दूर करेगा तो हमारा
अबे केजरीवाल के चेले, खिलाऊं तुझे केले? ओके लेट्स गो। ये क्या हुआ, ये खड्डा तो बहुत ही कम गहरा था। ओके ओके कुछ मूव देख रहा था मैं असल में। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने डांटे को चूज़ किया खेलने के लिए, क्या हम बाकियों को चूज़ करते हो क्या, अलग ढंग से होता क्या, स्टोरी में फ़र्क पड़ता है इसका, पता नहीं भाई। चलो देखेंगे आगे एक्सपेरिमेंट करके, अभी तो फ़िलहाल मैं डांटे से खेल रहा हूँ, बाद में हम एक चैप्टर पर्टिकुलर सेलेक्ट करके खेल सकते हैं। डेविल मे क्राय में तो फ़ायदा है, आप एक किसी एक स्पेशल चैप्टर को दोबारा भी खेल सकते हो। अरे नहीं 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 भैया, ऐसे नहीं करना भाई, थोड़ा आराम से आराम से आराम से, जल्दी नहीं, नो हरी ओनली वरी। और कहाँ है रेड? अच्छा उधर है। Rebellion, power of revenge. Dad really was pretty grim. सही कहा, पावर ऑफ रिवेंज। क्या हुआ ये, मैं डर गया भैया, क्या हुआ? रिवेंज यानी बदला, जो कि इसका भाई बदला लेना चाहता था, उसी वजह से ये सब हुआ। ना तो वर्जिल से बदला लेना चाहता, ना वो यूरिजन बनता। ना तो यूरिजिन हो बनता और ना ही वी कोई दिक्कत होती, बस इसीलिए कि डांटे को हरा सके। बताओ बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ी घटना करा दी उसने, बताओ यार। एक मिनट, मैं यहाँ से पहले भी जा चुका हूँ क्या, या मुझे कुछ दिख रहा था यार रास्ता? चलो अभी जो लेना था आपने ले लिया है, अब आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मुझे कोई रास्ता नज़र फ़िलहाल तो यहाँ नहीं आ रहा, तो एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, ये सड़ा हुआ खड्डा। तो मैं खड्डे में घुस गया, हम देखते आगे क्या। ओहो अच्छा ओके, शायद गेम प्ले चेंज नहीं होगा, गेम प्ले सेम ही रहेगा गेम का, हम बस उस कैरेक्टर से खेलेंगे क्योंकि तीनों एक साथ आएंगे। सीन के एंड में तीनों एक साथ आ गए, मतलब तीनों साथ ट्रैवल कर रहे थे बट हम खेल एक से रहे थे, यानी गेम स्टोरी वैसे ही चलेगी, तीनों साथ में चलेंगे बट हम प्लेबल एक से कर सकते हैं। ओह चैप्टर ख़त्म हो गया क्या? ओके रैंक के टोटल 40 पॉइंट्स, 83 83 83, ठीक है ओके। तो भैया क्लाइफॉर्ड के अंदर काफ़ी प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि वो भयानक दैत्य जो था यूरिजिन था वो भी यही बोल रहा था कि क्लाइफॉर्ड काफ़ी विकसित हो चुका है अपनी चरम सीमा तक, और ट्रिश भी यही बोल रही थी कि क्लाइफॉर्ड जो है ऊपर की तरफ, जैसे कि नीचे रूट्स हैं, ये जो नीचे लड़ रहे थे रूट्स में थे, और जो फ्रूट है वो ऊपर की तरफ है जो कि और भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी मतलब मुश्किल है, जटिल है, उलझा हुआ है। तो भैया अब देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है, मतलब मिशन 14 में। तीनों सेफ हैं, ट्रेजर लेडी भी सेफ हैं, मिल गई है, और डांटे को स्पेशल पावर मिल चुकी है। अब देखते हैं वी मतलब वर्जिल का क्या भविष्य होता है, क्या वर्जिल ख़त्म हो जाएगा ऐसे करते करते, या जो चाहता है वी वो हो जाएगा फाइनली। चलिए खैर टाइम क्या हो गया, एक गेम प्ले और कर सकते हैं या नहीं, चलो छोड़ो अब नेक्स्ट टाइम बनाते हैं वीडियो, अभी तो बस ही बनी ज़्यादा टाइम हो गया है, सोना भी है, ये तो घर वाले गोली मार देंगे मुझे। चलिए ठीक है, गुड बाय, टाटा सी यू। अगर भाई वीडियो गेम प्ले अच्छा लगता तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर दो भाई, अगर बेकार है तो लिख दो बेकार है, दिक्कत क्या है, सुधार करेंगे और क्या दिक्कत है, वो भी लिखो, इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें, क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे भाई साहब, पर लिखो तो सही कुछ, बेकार है तो भी कमेंट करो और सही है तो भी कमेंट करो,
लाइक और शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, करो यार, करो तो सही, कुछ तो करो। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाय बाय, अब नेक्स्ट मिशन में मिलते हैं, मिशन नंबर 14 में, टाटा।